पूरे देश में लॉकडाउन और कर्फ्यू के चलते हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला में बाबा बालकनाथ के दर्शनों हेतु पंजाब से आए हुए लोगों ने आज प्रदेश सरकार से लगाई अपनी गुहार। जानकारी के लिए बता दें कि ये लोग बाबा बालकनाथ दर्शनों के लिए आए थे और क्योंकि मेले शुरू हुए थे तो अपना कारोबार भी यहाँ पर करते हैं। सुनिए इनकी बात। आंधी आंधी ये साढ़े तंबू उड़ जाते वे ते आपा बड़ा आवाजार होने ते तुहाडे अगे हाथ जोड़ के बेनती है सानू घर च पहुंचा दो सरकार पंजाब पुलिस वास्ते ते सरकार हिमाचल वास्ते हाथ जोड़ के हाथ बन के बेनती है। निके निके बच्चे लैके आए आप बच्चे लैके आए आप बहुत दुखी हो गए बैठे आ सानू लंगर बहुत दे रहे शाह तलाइया के प्रधान जी भी सरकार भी पत्रकार साहब भी दे रहे वे ते बेनती तुहाडे अगे हाथ जोड़ के ते सानू घर च पहुंचा दो इत्थे साडे बहुत तूफान नेरी है ना आप आवाजार होने हां जी भाजी सानू घर पहुंचाना चाहिए नैनी है राती बदल नेरी बहुत आंदा साडियां चुगियां पुट्टियां जांदियां ने नैनी है छत लाई असि बैठे वा बहुत धन्नवाद है ताडा नैनी है यात्रा आए सा मत्था टेकन आए सा असि नैनी असि फस गए वा नैनी सानू जरूर बच्चियां च पहुंचाना चाहिए नैनी राती सा टन टुट जांदे ने असि बैठ के गुजारा करदे आ सानू दाना खाना सब कुछ दिता है पर सानू खाना दाना नहीं चाहिए सानू घर पहुंचाया जावे सानू बड़ी मुसीबत है असि बहुत बीमार हाँ साड़ी दवाई दरमल जुगा पैसा भी है नहीं साडे कोल सानू घर पहुंचाया जावे साडे तंबू उड़ जांदे ने रात बैठ के कट्टी दिए सिर साडे पै जांदे कपड़े पै जांदे आटे च पानी पै जांदा है बहुत दुखी हाँ सानू एहो ही साडी अरदास है बस सानू घर पहुंचाया जावे। आई संगत आई सी बाबे दे पवना आली से ते चढ़ के ही रुक गए हां इत्थे बाबा जी ने रोग सन देती है ते सानू पता नहीं चलिया नहीं आई यात्रा करन सारा परिवार आए है इत्थे ते आण के असि फस गए हां साडे वो खर्चा भी नहीं इत्थे सानू आटा दाना इत्थे बड़ी सेवा साडी कीती तलाइयां दे विच सब संगत दी जिहड़ी इह गरीब जनता इत्थे आए है ते साडी इह हत्थ जोड़ के बेनती है वी सानू पंजाब च पहुंचा देना चाहिदा है ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਿਕਲੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਤੋਂ ਤਰਸ ਰਹੇ ਨੇ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਖਰਚੇ ਮੁੱਕੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਭਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਏ ਬੱਦਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਝੱਖੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੰਬੂ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਵਾਲੀ ਵਰਸ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚ ਆਏ ਆ ਇਸ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਏ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਬਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬਾਕੀ ਸਬਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਭ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਭ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਬਾਕੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਬਾਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਰਦੇਸੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਪੋਤੀ ਪੋਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਿੰਨ ਬੇਟੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਕੁਰਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਰੋਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।